और सभी अध्यापक गण का जिन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में बच्चों का साथ दिया, क्योंकि वो सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम लोग जो कुछ भी हैं आप लोगों की वजह से हैं। सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए कि सरकार भी जो कुछ है वो युवा की वजह से है। और इस मामले में मैं सभी टीचरों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने मतभेद भूलकर बच्चों के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। ठीक है, सरकार से भी ये कहूंगा कि सरकार को भी कुछ इन टीचरों से सीखना चाहिए कि भाई जब मुश्किल घड़ी आती है, जब देश पे कुछ चीज आती है, तो सभी लोगों को इकट्ठे खड़े होकर देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए। जैसे आज का युवा महसूस कर रहा है, उसके लिए अकेलापन दूर करने के लिए अध्यापक उसके साथ खड़ा है। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने, प्रधानमंत्री ने तो बहुत अपने मन की बात कह ली, आज मैं युवा के मन की बात कहने वाला हूँ। और जितने भी भक्त जने हैं, भक्त जने यानी अंधभक्त जितने भी हैं, उन सभी से सबसे पहले ये कहूंगा कि आप डिसलाइक करके निकल सकते हैं वीडियो को। ठीक है, क्योंकि देखिए भक्त लोग तो झेल लेंगे पर अंधभक्त नहीं झेल पाएगा। तो भक्ति जो है वो भगवान की अच्छी होती है, सीधी सी बात। अगर आप इंसान की भक्ति करेंगे तो ऐसा हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए ये जो आक्रोश है ना अंदर, ये आज से नहीं है, एक दिन में इतना आक्रोश किसी युवा में नहीं आ सकता, ये लगातार भरा गया है, सालों दर साल। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, देखिए मैं अध्यापक होने के नाते नहीं, जो मेरे युवा भाई बहन हैं उनके माध्यम से उनका भाई बनकर यहाँ पर आया हूँ और ये बोलने आया हूँ कि भाई आपने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन सब युवाओं ने आप पे इतना भरोसा किया, आपको वोट दिया ये सोच के कि भाई आपका परिवार नहीं है, आपको किसी चीज का लालच नहीं है, आप देश को परिवार मानकर चलेंगे, एक एक जने की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर हुआ क्या, आखिर में हमें फिर से वही चीज देखने पड़ी जो हम आज तक देखते आए थे। देखिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार कांग्रेस की भी होती तब भी हम ऐसे ही खड़े होते, और बीजेपी की होगी तब भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो युवा लोग हैं हमारी ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत छोटी मोटी डिमांड है। और सरकार से ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जो आप लोग ये सोचते हैं ना कि आप सरकार में बैठे हैं, ठीक है, आपकी जो ताकत है वो आपका आईटी सेल है, आईटी सेल की वजह से आप अपना इलेक्शन जीतते हैं। कांग्रेस से बीजेपी आई केवल और केवल आईटी सेल के वजह से। ठीक है, और उस आईटी सेल के अंदर अगर आप बात देखें, ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो युवा है, अगर आपको पता ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्मार्टफोन यूज करने वाला, फेसबुक यूज करने वाला, व्हाट्सएप यूज करने वाला, ये युवा है सबसे ज्यादा। और ये युवा ही आपको आगे प्रमोट करता है और यही आपको इलेक्शन जितवाता है, और आप जो जीते हैं इस युवा की वजह से जीते हैं। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो इतना स्मार्टफोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो आईटी सेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये जो यूजर है, स्मार्टफोन यूजर, ये सबसे ज्यादा युवा है। ठीक है, और ये युवा आपकी सरकार बना सकता है तो आपकी सरकार गिरा भी सकता है। तो ये युवा अगर अपने आक्रोश पे आ जाए, और ये युवा आपसे मांगता क्या है, आप एक बात सोचिए, इन लोगों की कोई बहुत बड़े सपने नहीं है, इन्हें बहुत बड़े महलों में नहीं रहना, ना इन्हें बहुत ज्यादा पैसा कमाना, इन लोगों की एक छोटी सी डिमांड है कि भाई जो नौकरियां हमारी निकलती हैं, जैसी भी निकलती हैं वो हमें मिल जाए। पर होता क्या है, लगातार करप्शन होता है। आपको किस लिए चुना गया, आपको इसलिए चुना गया कि आप इन युवाओं के हित के लिए काम करेंगे, पर आप क्या कर रहे हैं, आप युवाओं की सुन ही नहीं रहे हैं। आप मन की बात हजार बार कर लेते हैं पर युवा के रोजगार की बात आप कभी नहीं करते हैं। ये इतनी बार युवा बोल चुका है, कितनी बार प्रोटेस्ट करे, ये प्रोटेस्ट ही करता रहेगा क्या जिंदगी भर। ये हर देश की ताकत युवा होती है, अगर वो युवा पे ध्यान नहीं देता है ना तो वो देश कहीं का नहीं रहता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप मेरे को एक खुल के एक बात बताइए कि भाई आपने युवा के लिए क्या किया। आप ये बोलते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने रोजगार देंगे, पार्लियामेंट में आपके लोग कहते हैं कि भाई इतनी सीटें अवेलेबल है, इतनी वैकेंसी है, युवाओं को लगता है कि भाई तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करेंगे, इतनी वैकेंसी है, कभी तो नौकरी मिल जाएगी। पर नौकरी मिलती है किसी को, नहीं मिलती है। ठीक है, तो नौकरी देकर भी, अगर आप नौकरी भी दे रहे हैं ना तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं नौकरी देके। ये युवा जो है ना, ये डिजर्विंग है, इसकी इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, अपनी फैमिली चलाना चाहता है कि एक सरकारी नौकरी से मिल जाए और ये अपना परिवार चला सके उससे, बस इसको करोड़ों रुपए नहीं कमाने। ठीक है, आपका काम प्राइवेटाइजेशन से चल जाएगा, इन युवा का क्या होगा। आप ये सोचिए, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान ये युवा किस फेज से गुजर रहा है। हमारे पास इतने फोन आते हैं कि बच्चा कभी ऐसे परेशान है, कभी वैसे परेशान है, लगातार सुसाइड करने लग रहे हैं। आपने कभी होश भी लिया कि ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं। आप सीधी सीधी एक बात समझिए, CGL 2017 का एग्जाम है। ठीक है,
जिसके लिए बच्चा प्रोटेस्ट करता है। सीजीएल 2017 का एग्जाम है, 2016 से बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, 2016 से बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा। जो 2016 से तैयारी करनी शुरू करता है, अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का सिलेक्शन पहली बारी में हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दो दो साल बाद सिलेक्शन पाते हैं, 2015 से मान लीजिए चलिए, तो जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ 2000 सीजीएल 2017 से, वो 2015 से तैयारी कर रहा था। आपने क्या करा, 17 का एग्जाम हुआ, चीटिंग हुई, ठीक है, कमेटी बिठा दी। कमेटी भी कब बिठाई आपने, जब हमने प्रोटेस्ट किया जाके वहां पर, और कमेटी का रिजल्ट क्या हुआ, कुछ नहीं। बच्चों के हाथ में क्या लगा, क्या नकल वाले पकड़े गए, क्या आपने अंदर कर दिया उन्हें, तो प्रोटेस्ट पूरा फेल कर दिया आपने। प्रोटेस्ट हटाने के लिए आप बार बार कमेटी बिठा लेते हैं, कमेटी का रिजल्ट कुछ नहीं आता, बच्चे शांत हो जाते हैं और आप वैसे ही रिजल्ट निकाल लेते हैं। तो 15 का बच्चा जो तैयारी कर रहा था, उसे आप जॉब कब देंगे, आज 20 हो गया, सीजीएल 2020 साल चल रहा है। तो आप देखिए, इस 5 साल के दौरान में उस एक बच्चे को नौकरी मिली है जो 2015 में तैयारी कर रहा था, तो 5 साल लगे उसे नौकरी हासिल करने के लिए। तो ये हमारे देश की हालत कि भाई 5 साल में किसी बच्चे को नौकरी मिलेगी, यानी मैंने अगर आज सोचा है तो आज से 5 साल बाद, यानी 19 में मैं अगर तैयारी करूंगा सीजीएल 2020 की, 21 में आप एग्जाम देंगे, 22 में आप रिजल्ट देंगे, 23 में आप ज्वाइनिंग देंगे, तो 4 से 5 साल किसी बच्चे को चाहिए आपके हिसाब से सरकारी नौकरी के लिए। यूट्यूबर्स आ चुके हैं और जो नहीं आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, फटाक से आए, फटाफट इन चीजों पे वीडियो बनाएं ताकि चीजें अपने आप में वायरल हो। यूट्यूब पर सिर्फ एक ही मुद्दा छाया रहे, #SSC या #, हमने जो डाल रखा है अपने #s जितने भी हैं हमारे, वो सिर्फ #s से ही हमें दिखाई दें। मेरे स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू, इस अहमियत को पहचानना, बार बार टीचर्स इकट्ठे नहीं होंगे, बार बार इतनी बड़े पैमाने पर स्टूडेंट्स इकट्ठे नहीं होंगे। सो इस बार इकट्ठे हुए हैं, इस बार रिजल्ट निकाल के ही मानेंगे, इस बार चीजों को सिस्टमेटिक वे से ही चलाकर मानेंगे कि क्यों यूपीएससी में कुछ गड़बड़ नहीं होती, ये एसएससी में ही ऐसा क्यों है, ये रेलवे वाले स्टूडेंट्स ने क्या पाप कर दिए जो उनके साथ इतना बड़ा जो है खिलवाड़ गवर्नमेंट ने किया है, एग्जाम लेने वालों ने इतना बड़ा खिलवाड़ स्टूडेंट्स के साथ कर दिया। सो इन अहमियत को पहचाने, और मीडिया से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, जो मीडिया पागलपन कर रहा है, फालतू की चीजें दिखा रहा है, उन चीजों को दिखाना छोड़े और एजुकेशन पर ध्यान दे, एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दे। अगर उनके बारे में मीडिया बोलेगा तो कुछ होगा, बट ये वही है कि जैसी गवर्नमेंट वैसा मीडिया, जैसी गवर्नमेंट है उसके साथ ही मीडिया बिका हुआ है। अब तक कोई रिपोर्ट नहीं है कोई भी, जबकि आपको पता है कल से और आज में आपने एक बदलाव देखा है। वो बदलाव क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, की जो मन की बात में, जो मन की बात में डिसलाइक्स गए हैं वो चीज दिखाई गई नहीं, अब तक कोई मीडिया में उसका जिक्र नहीं। गूगल पर जरूर जिक्र है, उसमें अब तक कोई मीडिया उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मिर्च मसाला उनके लिए नहीं है। अब उन्हें कौन समझाए, हमें रिया नहीं नौकरियां चाहिए, उन्हें कौन समझाए, अरे ध्यान से नजर उठा के देखो, एक सुशांत नहीं हर घर में यहां सुशांत तुम्हें एक जिंदा लाश की तरह दिखाई देंगे। प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है, और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है, धोखा हुआ है, और धोखा क्या कि ये एक सेकंड निकम्मी है, और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो, मैं भारत में, आवाज आ रही है मेरी, इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई, 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए, और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे, और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को, नेताओं को कैसा लगेगा? जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर
टीयर 3 2018 का रिजल्ट कब आएगा, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आएगा, मैं क्या बोलूं, मैं बोलता हूं 2 महीने बाद आ जाएगा भाई 3 महीने बाद आ जाएगा। लेकिन अगर एसएससी से बात पूछोगे तो एसएससी जवाब देगी, भैया 2-3 महीने तो बहुत कम टाइम है, कम से कम 4-5 साल का टाइम तो दे, 4-5 साल तक बच्चे अटके हुए। मैं आपको डाटा दिखाता हूं, 2018 की सीजल की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आया मई 2018 में आया, बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा कम से भी कम, ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को, बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को, आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है, पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए 4-5 साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो एक हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहाँ पे 4-5 साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं, और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पे लठ बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते 90,000 से ज्यादा, लगभग 1,00,000 वैकेंसी आती है, है? और ये भी पता है, ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश, अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं, 500-500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपका अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे, एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को, ठीक है। देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी, आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है, 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8,500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000, मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम, और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, ये साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाई साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है, वो 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 3,00,000 करोड़ के फंडे में नहीं घुसता, 35,000-40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से, उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने अभी लॉलीपॉप दे दिया आपको सीटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो, 1-1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे, हमें ऐसा कमीशन चाहिए। सीटी से बढ़िया ये होता कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर अटका हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी अटका हुआ है, एमटीएस अटका हुआ है, सीजल मेंस नहीं हो रहा टाइम से, आने वाले पेपरों का कुछ ऐसा पता नहीं है, कि इन रुके हुए पेपर को जल्दी करा के बच्चों की ज्वाइनिंग दे। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, तो साफ साफ बोल दो कि हम तो भीख मांगे, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, बाकी 2024 के चुनाव में हम लोग देख लेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे तुम्हें, फिर की बात हो चाहे सीट एक्ट की बात हो,
सारी सारी भर्तियां लटकी पड़ी है, सारी भर्तियां लटकी पड़ी है। और मन की बात में आप डॉग की बात करते हो, आप खिलौने बनाने बेचने की बात करते हो, लेकिन रोजगार की बात आपने पिछले 6 साल में एक बार भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है, आप मुद्दे को टरकारे रहना चाहते हो, उसको टालते रहना चाहते हो, उसको फालतू में भगाए। इतना फालतू नहीं है हमारे देश का युवा, है सारे टैलेंटेड डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। वो है ना जो एक डायलॉग है मिर्जापुर में कि बहुत दुख होता है कि जब आप काबिल और आपकी काबिलियत को कोई मौका ना दे, आपको पहचाने ना, तो बाद में क्या बनता है। अरे बाद में अगर इन लोगों का यूज नहीं किया जाएगा तो इन्हीं में से लोग उल्टी सीधी डायरेक्शन में चले जाते हैं, कोई क्राइम में चला जाता है, सोशल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी चीजें फैलाते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन फिर गलत जगह निकालते हैं। आज ये यूथ है, इसकी सही टाइम पे नौकरी लग जाएगी, सही टाइम पे इसको रोजगार मिलेगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में देश आगे बढ़ेगा। और सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकार से भी ज्यादा, और इन एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी से भी साथ ज्यादा, जो सबसे ज्यादा देश के लिए जो भयानक तत्व है ना, जो भयानक तत्व है वो हमारी मीडिया। ये मीडिया इतना बुरा हो चुका है ना, अनजाने अनजाने में इतना ज्यादा नुकसान उन्होंने चंद रुपयों के लिए और टुकड़ों के लिए देश का किया है, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते ये लोग। जाने अनजाने में इतना देश के इन्होंने इतना नुकसान कर दिया। मोदी जी मोर को चुगा रहे हैं, है ना, और कौन से रंग का कपड़ा पहने, कौन सा मास्क पहने, कौन सी पॉलिसी आ रही है, कितने घंटा सो रहे हैं, हैं? बढ़िया सो रहे हैं कि नहीं, बटुआ कैसा रख रहे हैं, उस पर टाइम वेस्ट हो रहा है। बेरोजगारी पे एक डिबेट नहीं करा सकते, एक बात नहीं बोल सकते। और अगर कोई बात करना चाहता है, ये एंटी नेशनल है, ये हिंदू मुस्लिम में उसको उलझा देते हैं। भैया वो तुमको हिंदू मुस्लिम पे लड़ाते रहेंगे, तुम नौकरी पे टिके रहना, नौकरी से हिल गए तो फिर इसी जलदल में तुम फंसते चले जाओगे, वापस नहीं निकल पाओगे कभी भी। तो मीडिया, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, आज तक जी न्यूज, अरे ये सब सबका बुरा हाल है, सबको देख के पता लगता है, उनकी शक्ल देख के कौन सा कितने लेवल का बिका हुआ है, टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तलवे चाट रहे हैं। आप सबको बायकॉट करो, सबको अनसब्सक्राइब करो और बिल्कुल लंका लगा दो इनकी। देख ये न्यूज 18 की न्यूज है, इसमें देखना, जॉब ना होने के वजह से छात्र ने की आत्महत्या, छोड़ा सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि मैं जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, मैं किसी के सामने हंस नहीं पाता, इसका एक ही कारण है कि मैं बेरोजगार हूं। मैं क्या हूं? मैं बेरोजगार हूं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? शर्म नहीं आती? तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? मतलब एक स्टूडेंट इस वजह से सुसाइड कर लेता है कि मैं बेरोजगार हूं, और उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होती। दिल्ली के दो भाई फांसी लगा लेते हैं इस वजह से कि उनके ऊपर होम लोन चल रहा है, उनका कार का लोन चल रहा है। अरे लॉकडाउन में उनकी नौकरी चलेगी, उनकी किस्तें माफ नहीं, बैंक वाले उनसे पैसा वसूलने के पर लगे हुए हैं। अरे जो आदमी 40,000 रुपए कमा रहा है, 8,000 रुपए घर की किस्त दे रहा है, 4-5,000 अपनी गाड़ी की किस्त दे रहा, उसकी नौकरी चली जाएगी और उसके घर में रोटी भी नहीं है, वो कहां से किस्त चुकाएगा? और देश गड्ढे में घुसा जा रहा, कोई बात करने को तैयार नहीं है। मन की बातों पर 40-40, 50-50 मिनट भाषण बेमतलब का दिया जा रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ये तुमको शर्म नहीं आती है? जितने भी नेता हैं, आधे से ज्यादा सांसद 10वीं फेल हैं, है? 10वीं फेल है, गुंडे मुकदमे चल रहे हैं उनके ऊपर, और वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारेंगे? नहीं, देखो पहली बार इंडिया के इतिहास में हुआ कि किसी पीएम की वीडियो पे 4.2 लाख डिसलाइक। हालांकि रात से मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रहा था, आईटी सेल वाले लग गए थे डिसलाइक हटाने में, कमेंट डिलीट करने में। 58,000 लाइक और ये डिसलाइक है, 7 गुने ज्यादा डिसलाइक है, 7 गुने ज्यादा। आप कल्पना कर सकते हो कि देश में कितना गुस्सा है। ये कोई छोटे मोटे आदमी की वीडियो नहीं है, ये भारत के प्रधानमंत्री की मन की बात की बकवास पे डिसलाइक है। आप सभी लोग जाके इस वीडियो को डिसलाइक करो और कमेंट छोड़ो। कमेंट छोड़ना जरूरी है कि आपने क्यों डिसलाइक किया। देखिए एसएससी और ये जो नीट और जेई वाले स्टूडेंट, इनका मुद्दा अलग है, उनसे कहीं ज्यादा परेशान और कहीं ज्यादा मुसीबत में एसएससी, रेलवे, ये एनटीपीसी बैंकिंग वाले बच्चे हैं। तो अपना कमेंट जरूर छोड़ो, चाहे वो बीजेपी का चैनल हो, नरेंद्र मोदी जी का चैनल हो, भारतीय जनता पार्टी
पार्टी का चैनल हो, पीएमओ इंडिया का चैनल हो, कोई न्यूज चैनल हो, आप वहां पे कमेंट जरूर छोड़ें, ट्विटर पे भी कमेंट जरूर करें। आप एक एक मैसेज है उसको कॉपी कर लो, उसको हर जगह सोशल मीडिया पे फैलाओ, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू ही ये जंग जीती जा सकती है। अदरवाइज हम गैदरिंग तो हमारी होने नहीं देंगे, कोरोना का समय चल रहा है और इस समय करना भी सही नहीं है, तो सोशल मीडिया के थ्रू आग लगाओ। और सारे स्टूडेंट 2.5 करोड़ से ज्यादा तो यूट्यूब पे बच्चे हैं, जो 2.5 करोड़ से ज्यादा यूट्यूब पे बच्चे जो किसी ना किसी चैनल से जुड़े हुए हैं, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक साथ जाके अगर बोलेंगे ना तो हिल जाएंगे सारे के सारे, पार्टी हिल जाएगी। ये जो गिरी हुई पार्टी है ना, जो दुश्मन पार्टी है बेरोजगारों की, ये हिल जाएगी पूरी की पूरी। अभी एक ये हैशटैग बहुत ट्रेंड हो रहा है, आ रही है बेरोजगारों की सवारी 5वें नंबर पे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस पे जाके ट्वीट करो, नंबर वन रखना है। और कल हम फिर से ट्विटर पे ट्रेंड करेंगे दोबारा से, अभी इस समय ट्रेंडिंग पे है, ठीक है। रेलवे के लिए अलग से करेंगे, एसएससी के लिए अलग से करेंगे साथ में, ठीक है ना। और दूसरी बात, बिल्कुल मन में मनमुटाव मत रखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की तरह सब भाई भाई हैं। अरे तुम्हारे को भी जॉब की उतनी जरूरत है जितने तुम्हारे दोस्त की जरूरत है। फर्क इतना है कि तुम एसएससी पढ़ रहे हो, रेलवे बैंकिंग पढ़ रहे, इतना ही तो फर्क है ना। हम एसएससी वाले, ना बैंक वाले, ना रेलवे वाले, सब बेरोजगार है, सबको नौकरी चाहिए, जिसमें जिसकी जितनी इच्छा है, तो सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। कोई भेदभाव और कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक। कल 1 सितंबर को इतना ट्वीट करना कि पूरा ट्विटर ना धुआं धुआं हो जाना चाहिए, आग उठ जानी चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात। लोगों के नसें दिमाग के गर्म होनी चाहिए कि इतना हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और इतना गुस्सा, इतना उपद्रव एक ही साथ एक ही दिन में लोगों के अंदर कैसे आ गया। सारे टीचर एक साथ दोबारे नहीं आएंगे, और ना ही कभी इतना बड़ा आंदोलन फिर दोबारे से होना पॉसिबल हो सकता है। कल दोपहर 11 बजे मैं आपको बता रहा हूं, #SSC डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट ट्विटर पे, सब लोग ट्विटर डाउनलोड करो, उसको चलाना सीखो। यूट्यूब पे 5-10 मिनट की क्लिप मिलेगी, वहां से सीख लेना। अपने मम्मी पापा का फोन लो, भाई बहन का, छोटे मोटे बच्चों का फोन लेके, और सभी इसको आपको इस पे ट्वीट करना है, ठीक है। और #SpeakUpForSSC रेलवे स्टूडेंट्स, ठीक है, MTS के रिजल्ट के लिए, सीजीएल के रिजल्ट के लिए, NTPC के एग्जाम के लिए, CHSL 2018 के रिजल्ट के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, सब में तो बुरा हाल है। कौन सी चीज सही टाइम पे हो रही है, कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा आज। आज अगर हम ये सोच रहे हैं कि जो NTPC RRB के एग्जाम में 2.5 करोड़ बच्चों से फॉर्म भरवा के 500-500 रुपए फीस वसूल के बोलते हैं कि 400 रुपए बाद में वापस करेंगे, कितना बढ़िया धंधा चल रहा है, कमाल का तरीका है साहब का रेवेन्यू वसूलने का, और सरकार का इस पे कोई ध्यान नहीं है। आज 1.5 से 2 साल होने वाले हैं NTPC और RRB में, एक बार ये कहते हैं हमें कोई एजेंसी नहीं मिल रही एग्जाम कराने के लिए, फिर आपने जब फॉर्म हमसे भराए थे, जब हमसे फीस वसूली थी, तो क्या सोच के वसूली थी। लेकिन हमारे देश की मीडिया इन सबको दिखाने का उसके पास कोई टाइम नहीं है, वो बस एक मुद्दा पकड़ लेंगे, उनको भी पता है सबको मजा आ रहा है, यही दिखाओ यही दिखाओ, चिल्ला रहे हैं बुरी तरीके से। एक एंकर आप मुझे बता दो कि तमीज का है, अंजना ओमकर साहब, श्वेता सिंह, और ये फलाने भाई साहब रिपब्लिक टीवी वाले भाई साहब, क्या नाम है इनका, गोस्वामी जी, ये तो बुद्धि भ्रष्ट इनकी हो गई है, मैं सच बता रहा हूं। ये जितने बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोगों की बद्दुआएं ले रहे हैं, आज से आप सबसे मैं गुजारिश करता हूं, आप सबके माँ बापों से गुजारिश करता हूं कि इस मीडिया को बायकॉट कर दो। आप सोचोगे कि क्यों, मैं आपको बता दूं, इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। एक जमाना हुआ करता था जब मीडिया अगर कोई बात कहती थी तो सरकार की जवाबदेही बनती थी, आज मीडिया चिल्लाती रहे, मीडिया को कोई मतलब नहीं है, सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार जरूरी नहीं समझती कि वो मीडिया बात का जवाब दे, क्योंकि मीडिया बाइस हो चुकी है, मीडिया को न्यूट्रल होना चाहिए। आज देश के अंदर कोई पॉलिसी आती है तो मीडिया जनता से जाके सवाल पूछती है, जबकि उसको सरकार से पूछना चाहिए कि आप ये पॉलिसी लेके आए हो, इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, कैसे लोगों तक फायदा पहुंचाओगे, वो जनता से सवाल कर रहे हैं उल्टा। तो अब अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारा ये मुद्दा मीडिया में जाएगा और भला हो जाएगा, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। मीडिया के सारे चैनल भी मिलके एक एक बार बोल देना 2-2 मिनट, तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कान पे मीडिया की बातों की अब जू नहीं रेंगती। सरकार और मीडिया एक हो चुकी है, वो न्यूट्रल थोड़ी है जो सरकार से जाके सवाल करेगी।
पहले अगर मीडिया में कोई बात उठ गई तो उसको बहुत बड़ा समझा जाता था, अच्छा मीडिया में आ गई अब तो सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। तमाम बातें मीडिया में आ रही हैं, सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप सोच रहे हो कि सुशांत सिंह वाले केस में तो सरकार ने मीडिया को सीरियस लिया, क्योंकि सरकार को बिहार में चुनाव देख रहे थे, सरकार को बिहार में वोट चाहिए था, तो उन्होंने कहा ठीक है ये मामला जल्दी से सुलटे। अब मीडिया भी पूरी इसी तरीके से लगी हुई है, बट 2.5 करोड़ लोग RRB NTPC 40-50 लोग CGL, ये सब कितना सफर कर रहे हैं, 3-3 साल से बिना नौकरी के बैठे हैं, 2-3 तो मेरे सामने बैठे हैं अभी, मैं आपको बता दूं, जो सिर्फ रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई कर दिया रिजल्ट नहीं आता, 850 दिन हो गए सिंस नोटिफिकेशन। इसको छोड़ दो, ये तो 2018 का एग्जाम है, क्या 2017 में सबकी ज्वाइनिंग आ गई? 17 का एग्जाम 2021 आने को है, 4 साल में आप एक नौकरी की ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे, आप पूरे देश का चुनाव 1 महीने में खत्म करा देते हैं। ये हमारा देश के प्रति, देश के युवा के प्रति रुझान है सरकार का, इतना मन दुखी हो चुका है, और अब होने वाला कुछ है नहीं, अब या तो कुछ एक बड़ा आंदोलन हो। मीडिया से तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए, यह भी छोड़ दीजिए कि मीडिया अगर 2-4 बातें बोल भी देगी तो कुछ होगा नहीं, मीडिया के साथ तो हमें यह करना है बॉयकॉट मीडिया। आज से हम कोई न्यूज चैनल नहीं देखेंगे, आज से हम कोई भी न्यूज की वीडियो नहीं देखेंगे, आज से हम इन सब की वीडियो आ भी जाती है सामने तो उसे डिसलाइक करेंगे, अपने मां बाप को बोलेंगे कि न्यूज चैनल बिल्कुल ना खरीदे, टीवी देखे बट कोई न्यूज ना देखे। हम बताएंगे इनको, इनकी जो TRP है ना वो हम ही ने बढ़ा दी, हमें ही मजा आता उन बातों में, और उन बातों के मजे के चक्कर में हमारा सबका भविष्य खराब हो गया। मीडिया को लगने लगा अच्छा ये चीज है। अब मैं अपने चैनल की बात करूं, मैं मसाले की वीडियो बनाऊं रोज 1 लाख व्यू आएंगे, बट मेरा चैनल एजुकेशन का है, मुझे वो काम भी करना है, ठीक है मैंने महीने में एक बार एक वीडियो बना दिया, 2 वीडियो बना दिए, उसके अलावा तो मैं पढ़ाऊंगा ना, या मैं ये चिंता करूं नहीं मेरी इस वीडियो पे 30,000 व्यू आते हैं तो अब मैं ये वीडियो नहीं डाल रहा। यही सेम काम मीडिया को करना चाहिए था कि जो उनका काम है, व्यू आए या ना आए, उनको वही काम लगातार करते रहना चाहिए था, बट वो नहीं कर रहे। वो क्या करते हैं, अब JEE और NEET की परीक्षा सरकार चाहती है इसीलिए मीडिया लगा हुआ है कि नहीं करा के रहेंगे, लड़ रहा है मीडिया उसके लिए क्योंकि सरकार चाहती है, तो मीडिया यहाँ पे वही कर रहा है जो सरकार चाहती है। तो सबसे पहले हमें सरकार से चाहवाना है कि वो हमारे एग्जाम भी टाइम पे ले, मीडिया से सरकार नहीं सुधरेगी, सरकार से मीडिया सुधरेगी, तो गुजारिश हमारी सरकार से है, सबसे पहले कोई न्यूज चैनल हम नहीं देखेंगे, आपके पिता मम्मी सबको न्यूज चैनल को बायकॉट करना होगा, और आपके लिए ट्वीट करने होंगे, आपके लिए कैंपेनिंग चलानी होगी, चाहे यूट्यूब पे हम चलाएंगे, जैसे कि हैशटैग अभी चल रहा है SSC डिक्लेयर रिजल्ट चल रहा है, और एक चल रहा है हैशटैग स्पीक अप फॉर SSC रेलवे एग्जाम। सोचिए कितना गलत हो रहा है यार, अब तो हद हो गई कि आप फॉर्म भरवा लेते हो 2.5 करोड़ लोगों से, उनका पैसा आप खा गए, आपसे ज्यादा भाइयात और गंदा आदमी कौन होगा। अब थोड़े दिन बाद रेलवे बिक जाएगी, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब बच्चों का पैसा डूब गया, अरे मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा के कमाया है 1-1 रुपया, आप कमा के देखो, सरकार का एक आदमी कमा के देखे, फोकट की सैलरी मिल जाती है ना, जगह जगह से पसीना आ जाएगा, जगह जगह से, अभी तो आपको सैलरी भी मिल रही है साहब। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर ये समाज सेवा करते हैं नेता लोग तो इनको सैलरी किस बात की है, और जब ये सैलरी लेते हैं तो फिर इनको नौकर की तरह क्यों नहीं ट्रीट किया जाता, फिर ये राजा किस बात के हैं जब ये सैलरी ले रहे हैं देश से, तो बताइए आप। मोदी जी तमाम दिन से मन की बात कर रहे हैं, एक एक बात मैंने इनकी मन की सुनी है, भाई साहब मन की बात में आज तक इन्होंने रोजगार पे बात की नहीं। अरे रोजगार को गोली मारो, जो रोजगार निकाल दे कम से कम उसे तो टाइम पे दो, या उसे भी टाइम पे नहीं दोगे, उसे भी आपने अपने रेवेन्यू का जरिया बना लिया, कौन टैक्स वसूलेगा आपके लिए। मोदी जी लगता है दूरगामी सिर्फ अपने लिए थे, देश के लिए नहीं है, अपने लिए तो उन्होंने सोच लिया था कि कैसे कैसे रास्ते पे चलूंगा कि प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, बट वो ये नहीं सोच रहे कि इस देश का युवा जो आज जिन हालातों में, अगर यही हालत रहा तो ये देश नीचे चला जाएगा। ये आपकी देशभक्ति है, ये आपका देश प्रेम है, और ये जो मीडिया वाले चिल्लाते हैं ओम कश्यप फलाना ढिमका कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये देशभक्त है, इनको नहीं दिखता कि क्या हो रहा है इस देश के अंदर, युवा कैसे बड़े। कितने न्यूज चैनल को मैं कॉल करके बोलता हूं कि इस चैनल पे डिबेट करा लो, अरे नहीं इस पे नहीं कराएंगे, हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात, तब तुम्हें पता चलेगा। एक बात बताओ, अभी CBI का केस रिया हुआ तो एक एक दिन की अपडेट आ रही है, आ रही है नहीं आ रही, सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, अभी रिया कहां है। जब ये 2017 वाला केस CGL का CBI में गया था तब तुम मीडिया वाले मर गए थे, तब तुम नहीं दिखा सकते थे, आज ये 2 बंदे पकड़े गए, इन्होंने नकल कराई थी, तुमने एक बार भी दिखाया वो केस और केस डंप हो गया। जब मीडिया उस केस को दिखाएगी नहीं तो केस तो डंप हो ही जाएगा, तब आप नहीं बोले बीच में।
और शिक्षा में भी माफिया बैठे हैं, इनको भी कोई मतलब नहीं पड़ता। सब सबको लगता है अपना पैसा कमा के बैठे, अरे क्या बच्चों के बारे में सोचना। अरे हमने नहीं कमाया पैसा, क्यों नहीं सोचेंगे? तुम्हारे घर की दाल रोटी बढ़िया चल रही है तो चलाते रहो। कम से कम जिन बच्चों से आपने पैसा कमाया, जिन बच्चों की वजह से आप अरबपति बने बैठे हो, उनके बारे में तो सोचो, नहीं तो एक दिन खत्म हो जाओगे। मैं बड़े बड़े चैनल वालों से भी कहता हूँ, सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ मैं, आज सारे यूट्यूब चैनल को कसम है कि इन सब चीजों पर वीडियो बनाए, और ये बच्चों को भी कसम है कि वो इन वीडियो को वायरल करेंगे, चाहे वो किसी भी चैनल की वीडियो हो। एक वीडियो तो ट्रेंडिंग वन जानी ही चाहिए। आज देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, सीईटी आया, एक न्यू चैनल वाले ने तमीज से डिस्कशन नहीं किया, तमीज से सरकार का इंटरव्यू नहीं लिया जितेंद्र सिंह का, कि आप बताओ इसको कैसे लागू करोगे। यार आप तो सिर्फ अंधकार में रख रहे हो, आपको लगता है हल्ला हो रहा है चलो सीईटी फेंक दो, हल्ला हो रहा है चलो ये फेंक दो, हल्ला हो रहा है राम मंदिर घोषित कर दिया। सीईटी पे आपने कोई सवाल सरकार से नहीं पूछा। अरे देश में अगर कुछ हो रहा है, कोई योजना आ रही है, कोई नई चीज आ रही है, तो ये मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से जवाब मांगे और पूछे। यही काम मीडिया का होता था और वैल्यू भी होती थी मीडिया की, आज कोई वैल्यू नहीं है। मैं जरूरी नहीं समझता कि हमें न्यूज चैनल पे अपना मुद्दा लेके आना है, क्योंकि इनकी औकात नहीं रही है, बिल्कुल ही जीरो कौड़ी के लोग हो चुके हैं। सीधा सीधी सी बात है, पहुंचा देना इन तक भी ये वीडियो, ताकि सुधर जाए, नहीं तो बुढ़ापे में कोई पानी देने वाला पैदा नहीं होगा इनको, जो ये कर्म कर रहे हैं, जो लोगों की बद्दुआएं ये ले रहे हैं। जीना दुष्पार कर दिया यार आपने। मैं अपनी जगह रख के जब ये देखता हूं कि एक बच्चा जिसने 3 साल से तैयारी की और सिलेक्शन नहीं हो, तो उस पर क्या बीतती है। जैसे बच्चों से कहते हो एफर्ट लगाओ एफर्ट लगाओ, 3-3 साल बच्चा तैयारी करता है, 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए यहां वहां फीस भरता है, आपको पता है कैसे गुजारा करता है। एक इस आस में माँ बाप सोचते हैं चलो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाएगी। आपको नहीं पता कि शिक्षा का इस तरफ बढ़ना चाहिए था। चलिए माँ बाप किसी का पढ़ा लिखा नहीं है, कम से कम बच्चा तो सिलेक्ट होके घर की जिंदगी को बदले। आप वैकेंसी कम निकाल रहे हो, हमने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, बट अब आप जो निकाल रहे हो उसको भी टाइम पे नहीं दे रहे। एक तो मैं कम लोगों को खाना खिलाऊंगा, जितनों को खिलाऊंगा उनको भी टाइम पे नहीं दूंगा जब तक भूखे ना मर जाए। ये कौन सी बात हुई? 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा, जैसा मैंने आज सर्च किया गूगल पे मुझे पता चला, और इन्होंने 500 रुपए फीस ली, बोले 400 वापस कर देंगे। अबे उधार ले रहे हो बच्चों से, शर्म नहीं आती तुम्हें? सरकार से मांगो ना कि 400 ले रहे हैं तुमसे वापस कर देंगे। बताओ मुझे दोगे तुम 500 रुपए उधार? मैं भी दे दूंगा 6 महीने बाद। मजाक बना के रख दिया है। SSC के लिए बोलना है, SSC रेलवे NTPC, हमें ये इंतजार नहीं करना। ये अभी पता है क्या करेंगे, CET का एक और नोटिफिकेशन डाल देंगे, अब तो ठीक कर रहे। अरे या तो आज से ठीक करो, या जब तक तुम्हारा ये CET नहीं आता तब तक सारी चीजें ठीक करो। मेरी सब यूट्यूबर्स से गुजारिश है, जितने भी लोग हैं जिनके चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं 2 लाख, सब इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाओ। 5 दिन तक मेरी गुजारिश है बच्चों से भी, सिर्फ आप सब कुछ छोड़ दो। एक बार तो लगना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। 5 दिन तक हम सब लग जाते हैं और नानी याद दिला देंगे। इस बात का भरोसा मुझ पर रखिए कि क्या कुछ नहीं हिल सकता यार। अगर हम 2.5 करोड़ लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर ये 3 करोड़ लोग चाहे ना, तो सल्तनत हिल सकती है। मोदी जी गलत नहीं बोल रहे कुछ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप एनालिसिस करा लो, आपके पास तो इतने बड़े बड़े एनालिस्ट भरे पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े टॉप टॉप लेवल के शिक्षाविद हैं आपके पास, वो सब बता देंगे।